क्या रोल है हाइट का आरडीसी जाने में? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाइट इन आरडीसी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की ये सीरीज है यूएस क्वेश्चन की, कि जो भी क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम डिस्कस करेंगे व्हाट द रोल ऑफ हाइट इन आरडीसी। ये दो कमेंट आए थे मेरे पास, दीपिका रेड्डी और ज्योति कुमारी का। सो दे हैव कंसर्न कि आरडीसी जाने में हाइट का कितना रोल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि रोल, हाइट का रोल आरडीसी में आता कहाँ पे है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जहाँ पे आता है वो है ड्रिल। ड्रिल की फॉर्मेशन जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, कद्वार साइजिंग होती है, या तो हम ऐसे खड़े होते हैं या ऐसे, यानी सबसे लंबा सबसे आगे, फिर छोटा छोटा छोटा, या फिर सबसे छोटा सबसे आगे, लंबा लंबा लंबा, या फिर इस तरीके से लंबे इधर, छोटे छोटे छोटे, और फिर उसके बाद फिर से लंबे। सो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कैडेट्स कमिंग इन कैंप। जिस तरीके के कैडेट्स कैंप में आते हैं ये ज़्यादातर उस पर डिपेंड करता है। ओके, अब कैडेट्स पे कैसे डिपेंड करता है? फॉर एग्जांपल सारे कैडेट्स हाइटेड हैं तो ऑब्वियसली बात है वो हाइटेड कैडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। लेकिन कैडेट्स मिक्स हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से इज कि हाइट का रोल आरडीसी कैंप में या तो ड्रिल में आता है, यानी या ड्रिल कंटिजेंट में, या फिर जब आप गार्ड देते हो। ये दो चीज़ ऐसी हैं जिनमें हाइट का रोल है। आगे देखते हैं, आरडीसी विदाउट हाइट कंसर्न कल्चरल बेस्ट कैडेट फ्लैग एरिया है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ये कुछ एक मेजर एरियाज है जहां से आप आरडीसी जा सकते हो, कल्चरल के थ्रू, बेस्ट कैडेट कंपटीशन के थ्रू, फ्लैग एरिया के थ्रू, तो इनमें हाइट का कोई कंसर्न नहीं है। दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे हेयर, कि सिर्फ और सिर्फ ड्रिल में और गार्ड में, इन दो के अलावा हाइट का कहीं पर भी कंसर्न रोल नहीं है। ओके, और इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर यूनिट ग्रुप और डायरेक्टरेट। कई डायरेक्टरेट्स के आप देखोगे छोटे कैडेट्स भी आरडीसी जाते हैं, वो भी ड्रिल कंटिजेंट में जाते हैं। ओके, सो इट एंटायरली डिपेंड कि उस टाइम उनके पास किस तरीके के कैडेट्स आते हैं। लेकिन ड्रिल का फॉरमोस्ट, हाइट का फॉरमोस्ट रोल सिर्फ और सिर्फ ड्रिल में और गार्ड में है। ओके, आप हाइट के बिना कंसर्न के कल्चरल से, बेस्ट कैडेट कंपटीशन से, फ्लैग एरिया से आरडीसी जा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ हाइट इन आरडीसी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।